सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रीम 11 में रैंक 1 लाने का नया लॉजिक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ड्रीम 11 में रैंक 1 कैसे ला सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको जो लॉजिक बताने वाला हूँ वो 99% लोगों को पता ही नहीं होता है, जिसके कारण वो ग्रैंड लीग में रैंक 1 ला नहीं पाते हैं। जो लोग ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाता है ना, सिर्फ उसी बंदे को इस लॉजिक के बारे में पता होता है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और मैं जो यहां पर बताने वाला हूं उसको टीम बनाने में फॉलो कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि आप इस लॉजिक से मात्र 10 मैच खेलना और एक मैच आपका रैंक 1 में गारंटी आएगा, इसको मैं दावे के साथ बताता हूं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेगा ग्रैंड लीग में जो काला गणित होता है वो होता क्या है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब भी आप ड्रीम 11 में मेगा ग्रैंड लीग का टीम बनाते हो तो उसमें जो कंपटीशन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। वहां पर 1 करोड़ से भी प्लस लोग वहां पर भाग लेते हैं, टीम बनाते हैं। तो आपको सबसे अलग करना पड़ेगा, तभी आप रैंक 1 में आओगे। यानी आपका जो टीम होगा ना वो बेहतरीन होना चाहिए, अलग लॉजिक से बनना चाहिए। मान लो 1 करोड़ वहां पर पार्टिसिपेट होते हैं तो आपको 99,99,999 लोगों को पीछे छोड़ना है और आपको रैंक 1 में आना है। यानी इसका मतलब क्या है कि आपका जो टीम है ना वो 99,99,999 लोगों से अलग होना चाहिए, तभी आपका टीम रैंक 1 में आएगा और आपका सपना पूरा होगा। तो इसके लिए आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, आपका काम है वीडियो को कंप्लीट देखना और समझना। बाकी बात सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, सब कुछ मैं डिटेल में समझा दूंगा। और लास्ट में मैं आपको ड्रीम 11 ऐप में आपको टीम बना करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे, आप सही से समझ पाओ। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जल्दी जुड़ जाओ। क्योंकि वहां पर मैं आपको हर एक मैच का टॉस के बाद फाइनल टीम और ग्रैंड लीग का टीम देता हूं, जिसके साथ मैं खेलता हूं और जिसके चलते एके जोन क्लासेस का पूरा फैमिली रोजाना अच्छा खासा विनिंग करता है। अगर लिंक से ओपन ना हो तो टेलीग्राम में सर्च करके कभी मत जुड़ना, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हैं जो आपसे पैसा लेकर आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो लॉजिक हमारा बोलता क्या है ध्यान से समझना। ये मेरा लॉजिक क्या है, 4+4+3 का लॉजिक, जो आपको शायद पता ही नहीं होगा। अगर आपको पता होगा तभी कमेंट करना, अगर नहीं पता होगा ना तो फिर भी अच्छा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगेगा तो। तो ये लॉजिक आपका क्या है, 4+4+3 का लॉजिक। अब इसका मतलब क्या है आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, मैं हूं समझाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको इसको याद रखना है। अब क्या बोलता है, आप सभी को पता होगा कि जब भी आप टीम बनाते हो तो टोटल आपका 22 प्लेयर होता है, 11 प्लेयर उधर से 11 प्लेयर इधर से। लेकिन आपको टीम बनाने में केवल और केवल आपको क्या करना है, 11 प्लेयर को लेना है इस 22 प्लेयर में। अगर आपका टीम रैंक 1 आता है या फिर आपका टीम रैंक 1 में लाना चाहते हो अपने टीम को, तो आपको 22 में से 11 प्लेयर उस प्लेयर को लेना है जो उस मैच में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला है। और यही सबको पता ही नहीं होता है, अगर पता होता तो सभी लोग रैंक 1 आ जाता, लेकिन आपको पता चलने वाला है, मैं दिखाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, सिंपल। तो आपको समझना है 4+4+3 का लॉजिक बोलता क्या है। तो देख सकते हो मैंने 3 पॉइंट को डिवाइड कर दिया है, आप इजी से देख सकते हो। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि 4 प्लेयर आपको अपने टीम में उस प्लेयर को लेना है जो आपका बॉलर होना चाहिए और ऑलराउंडर होना चाहिए। यानी कि टोटल आपका बॉलर और ऑलराउंडर से 4 प्लेयर होना ही होना चाहिए, और उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो। यानी इसका मतलब क्या है, जैसे कि 20% है, 10% है,
5% है। और यहाँ पर मैं जो लॉजिक बताने वाला हूँ ना, वो हर एक मैच में अप्लाई होता ही होता है, हर एक मैच में होगा। अगर नहीं होगा तो ग्रैंड लीग कोई नहीं जीत पाएगा, इस बात को याद रखना, सिंपल। तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है कि अपने टीम में 4 उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो, और 30% से कम तो होगा लेकिन आपका 4 प्लेयर कहां से होगा, बॉलर से होगा या फिर ऑलराउंडर से होगा, इस बात को खोपड़ी में घुसा लेना, सिंपल। अगला पॉइंट, आपको अपने टीम में 4 और प्लेयर उस प्लेयर को लेना है, यानी 4 प्लेयर आप यहां से लोगे, फिर आपको 4 प्लेयर उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से 100% तक हो, और जो सेफ हो, और जिस प्लेयर को सभी लोगों ने लेकर चल रहा है अपने टीम में। तो आपको 4 प्लेयर उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से 100% तक हो, सिंपल ना। अब आपका जो तीसरा पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने टीम में 3 उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से 70% के बीच में होना चाहिए, सिंपल। यानी जो आपका एवरेज हो, एवरेज होता है बीच में, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से 70% के बीच में होना चाहिए, सिंपल ना। तो यहां तक आपको इजी से समझ में आ चुका होगा। अब आपको करना क्या है, देखो 4+4+3 का लॉजिक यही बोलता है कि अपने टीम में 4 उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना हो भाई, 30% से कम हो, और आपका बॉलर हो या फिर ऑलराउंडर हो, बॉलर और ऑलराउंडर में ही आपको 4 प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो, और 4 प्लेयर उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से 100% में हो, और जो सेफ हो, जिसको सभी लोगों ने अपनी टीम में लेकर चल रहा है। अगला, 3 प्लेयर उस प्लेयर को लेना है जो एवरेज हो, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से 70% के बीच में हो। तो इस प्रकार से अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आपका 4+4+3 का लॉजिक यहां पर यही बनता है कि 4 प्लेयर और 3 प्लेयर, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, 8 और 3 11, तो आपको टीम में 11 प्लेयर को ही लेना होता है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या इस प्रकार से टीम बनाएंगे तो हम रैंक 1 में आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन सही होना चाहिए, क्योंकि वही होता है टीम का गेम चेंजिंग। तो अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज हमेशा 5% से कम होना चाहिए, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो वाइस कैप्टन हो, ठीक है, और जिसमें काबिलियत हो, सिंपल ना। अब मान लो आप कैप्टन उस प्लेयर को बना देते हो, वाइस कैप्टन उस प्लेयर को बना देते हो जिसको मान लो 20% लोगों ने बनाया है, जिसको 50% लोगों ने बनाया है, जिसको 30% लोगों ने बनाया है, तो घंटा आपका टीम रैंक 1 में आएगा, क्योंकि आप लोगों ने उसी प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन किया है जिसको सभी लोगों ने किया है। तो अगर उसका पॉइंट बढ़ेगा तो आपका भी पॉइंट बढ़ेगा, आपका भी पॉइंट बढ़ेगा तो उन लोगों का भी पॉइंट बढ़ेगा, तो रैंक 1 कहां से आओगे, कुछ अलग करना पड़ेगा, सिंपल। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, 5% से कम हो, और जिसमें काबिलियत हो, इस बात को याद रखना। तो ये था आपका 4+4+3 का लॉजिक, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए मैं अब आप लोगों को ड्रीम 11 एप्लीकेशन में ले जाता हूं, और वहां पर मैं आपको डिटेल में टीम बना करके दिखाता हूं इसी लॉजिक से, ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए अब मैं आपको ड्रीम 11 में टीम को बना करके मैं आपको दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आने वाला है कि आप किस प्रकार से टीम बनाओगे, क्योंकि मेन आपका यही है। आप कितना भी सीख लोगे लेकिन अगर आपको टीम बनाना नहीं आएगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एक मैच अभी खेले जाने वाला है लखनऊ और मुंबई के बीच में, तो इसका हम टीम बनाते हैं। इसी से आप समझ लेना कि आपको किस प्रकार से टीम को क्रिएट करना है, तीनों स्टेप को ध्यान में रखने के बाद। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही देखना है कि जो टोटल आपका 22 प्लेयर है, उस 22 प्लेयर में कौन ऐसा प्लेयर है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज पहला पॉइंट में 30% से कम हो। तो अगर हम देखें इसमें तो बहुत सारा प्लेयर है, जैसे कि आप बॉलर में जाओगे ना, तो इसमें देखोगे हर एक मैच में होता है, ऐसा मत समझना कि इसी मैच में है, हर एक मैच में होता ही होता है। अगर नहीं होगा ना तो ग्रैंड लीग कोई जीत ही नहीं पाएगा, इस बात को याद रखना।
तो सबसे पहला आपका जो खिलाड़ी है वो आपका क्या है, मार्क वुड। उसके बाद देखोगे तो एक आपका ए मिश्रा है, नीचे में देख सकते हो, इसका सिलेक्शन परसेंटेज 24% है। उसके बाद आपका एक आवेश खान है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 7% है। उसके बाद आप नीचे जाओगे ना तो एक आपका नवीन है, देख सकते हो, 13% इसका सिलेक्शन परसेंट है। उसके बाद आपका चेतन साकरिय किधर गया, कार्तिकीय ए वाला, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, 13% है। और उसके बाद अगर आप ऑलराउंडर में जाओगे तो कृष्णप्पा गौतम देख सकते हो 7% है इसका, ठीक है। बैट्समैन में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो ईजी से तिलक वर्मा, जिसमें काबिलियत है, ठीक है, इसका सिलेक्शन परसेंटेज 17% है। उसके बाद एक आपका टीम डेविड है, ठीक है, और नीचे में जाओगे तो आपका आयुष भदौनी है, दीपक हुड्डा है, एंड इन सभी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, 30% से कम है। तो जितना भी प्लेयर जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम है उसको नोट कर लेना, ठीक है, या फिर सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट मार करके रख लेना अपने मोबाइल में या फिर कॉपी में नोट करके रख लेना, ताकि आपको टीम बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको वो प्लेयर देखना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, सेफ हो, यानी कि 70% से 100% के बीच में हो। तो अगर देखोगे ना तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में क्विंटन डिकॉक जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 81% है। उसके बाद ईशान किशन 90% सिलेक्शन परसेंटेज। उसके बाद अगर आप बैट्समैन में जाते हो तो सूर्य कुमार यादव जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, देख सकते हो, 95%। सिंपल। ऑलराउंडर में जाओगे तो कैमरन ग्रीन जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 79% है। उसके बाद अस्टोनिस 86%, और उसके बाद जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देख सकते हो, आपका कुणाल पांड्या भी है 73%। बॉलर में देखोगे तो आपका एक पीयूष चावला जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 90% है। तो ये सब प्लेयर है ना, आपका सेफ प्लेयर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से चूज करना है। अब आपका जो तीसरा पॉइंट बचता है, तीसरा पॉइंट में क्या करना है कि तीन उस प्लेयर को सेलेक्ट करना है, करना नहीं है लेकिन आपको देखना है सबसे पहले कि 22 प्लेयर में कौन ऐसा प्लेयर है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से 70% के बीच में है, यानी कि एवरेज। तो यहां पर देखोगे ना तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में निकोलस पूरन 61%, सिंपल ना, यानी 50 से 70 के बीच में ही है। उसके बाद अगर आप बैट्समैन में जाओगे तो आपका यहां पर काइल मायर्स, ठीक है, 70%। उसके बाद रोहित शर्मा 50%। उसके बाद आपका बॉलर में जाते हो तो जेसन बेंड्रोफ देख सकते हो 57%। उसके बाद एक और बॉलर होगा आपका रवि बिश्नोई 50%। तो ये सब प्लेयर क्या है, आपका एवरेज में आता है, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से 70% के बीच में है। तो सबसे पहले आपको 22 प्लेयर को तीन भाग में आपको डिवाइड कर लेना है। पहला भाग वो होगा जिसमें आपको उस प्लेयर को देखना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो। दूसरा पॉइंट आपको यही देखना है कि जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से 100% के बीच में हो। और तीसरा पॉइंट में आपको वो प्लेयर देखना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से 70% के बीच में हो। और ये चीज हर एक मैच में होता ही होता है, मैंने बोला ना हर एक मैच में होगा। अब इतना कुछ करने के बाद आपको टोटल आपको 22 प्लेयर में 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना होता है, यानी टोटल आपको 11 प्लेयर ही लेना है। तो मैंने बोला था कि जब भी आप ग्रैंड लीग खेलते हो ना तो आपको मिनिमम से मिनिमम दो टीम बनाना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन टीम बनाना है, तभी आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे, तभी आप टीम का कॉम्बिनेशन अलग अलग तरह से कर सकते हो। सिंपल। तो आपको वहां पर बहुत सारा प्लेयर मिलेगा तीनों पॉइंट में, तो उन्हीं सब प्लेयर को अलग अलग टीम में आपको ट्राई करना है। सिंपल ना। अब देखो यहां पर कैसे ट्राई करोगे, जैसे कि इसी मैच का बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चार वो प्लेयर लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज क्या हो, 30% से कम हो, यानी जो रिस्की प्लेयर हो, ट्रंप प्लेयर हो, गेम चेंजिंग प्लेयर हो। सिंपल। तो उसमें देखोगे ना तो हम चूज कर लेते हैं, बॉलर में सबसे पहले जाते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं मार्क वुड को, जो एक एक मैच में 3 से 4 विकेट निकालने का काबिलियत रखता है और इसका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 13% है, ईजी से देख सकते हो 13%। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो इसी में आपका एक मिल जाता है ए मिश्रा, इसमें भी काबिलियत है लेकिन इसका सिलेक्शन परसेंटेज 24% यानी 24%। सिंपल। उसके बाद हम लेते हैं एक, मान लेते हैं बैट्समैन में जो सबसे बढ़िया पिक है तिलक वर्मा, इसमें काबिलियत है, वन डाउन बैटिंग करता है और बहुत अच्छा खासा बैटिंग करता है, कभी भी आपको ट्रंप प्लेयर आपको बनता हुआ दिख सकता है, तो इसको मैंने ले लिया। यानी ख्याल रखना है पॉइंट नंबर वन में कि चार उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से कम हो। उसके बाद एक प्लेयर मेरा बच जाता है, मैं यहाँ पर बैट्समैन में ही ले लेता हूँ टीम डेविड को, जो एक आपका क्या है, पावर हिटर है, ठीक है, 4 से 5
नंबर में बैटिंग करता है और अच्छा खासा आता है ना, तो पूरा पूरी सिर्फ वो मारने पर रहता है, और अगर टिक गया तो समझ लो 50 रन प्लस कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू में जाकर आप, यहाँ पर मेरा 4 प्लेयर हो गया जो मेरा ट्रंप प्लेयर है इस मैच के लिए, और इन्हीं प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 30% से कम है, तो इजी से देख सकते हो इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, आपको 4 उस प्लेयर को लेना है जो क्या हो, सेफ हो, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से क्या हो, 70% से 100% के बीच में हो, यानी कि 70 से 100%। तो अगर हम देखें तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में क्विंटन डिकॉक है आपका, एक ईशान किशन है, तो दोनों को हम एक ही टीम में नहीं लेंगे, अलग अलग करके लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, 3 टीम का कॉम्बिनेशन बनाना है या तो 2 टीम का, मैं एक ही बना करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम जाते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन में, तो यहां से हम कैमरन ग्रीन को पिक कर लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं यहां से मार्कन स्टोनिस को पिक कर लेते हैं, और बॉलर में हम पीयूष चावला को ले लेते हैं। तो ये मेरा 4 प्लेयर वैसा प्लेयर है जो सेफ प्लेयर है, जो सभी लोगों ने लेकर चला है अपने टीम में, सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहां पर 3 प्लेयर उस प्लेयर को लेना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से 70% के बीच में हो। तो यहीं पर अगर हम देखें तो इसमें आपको एक काइल मायरस मिल जाता है, देख सकते हो बैट्समैन वाले सेक्शन में किधर गया, हाँ 70% इसका। उसके बाद इसी में आपको एक रोहित शर्मा मिल जाएगा, इसको भी ले सकते हो। उसके बाद बॉलर वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है जेसन बेंड्रोफ। तो ये मेरा टीम बन गया एक ग्रैंड लीग का सबसे बेहतरीन लॉजिक वाला टीम, आप इजी से देख सकते हो। इसमें आपका सब प्लेयर इंक्लूड है, सब प्लेयर इसमें आपका इंक्लूड है। सबसे पहला पॉइंट, 4 प्लेयर वैसा प्लेयर है जो आपका ट्रंप प्लेयर होने वाला है, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना हो, 30% से कम हो, और 4 प्लेयर वैसा प्लेयर है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से 100% के बीच में है, यानी वो सेफ प्लेयर है, और इसमें 3 प्लेयर वैसा प्लेयर है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से क्या हो, 70% के बीच में हो, जैसा मैंने वीडियो में बताया था उसी प्रकार से। और ये चीज हर एक मैच में होता है। अब यहाँ पर बहुत सारा प्लेयर बच चुका है जो आपके जीएल में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो उसको हम एक टीम में ट्राई तो नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं हर एक वीडियो में कि मिनिमम से मिनिमम 2 टीम बनाना ही बनाना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 टीम बनाना, काफी है 3 टीम। तो उन्हीं सब प्लेयर को जो छूट रहा है उसको अगले टीम में ट्राई करना, इसी प्रकार से, सिंपल ना। और जो आपके लिए ट्रंप प्लेयर है उसको हर एक मैच में ट्राई करना। आप क्या करते हो, जैसे जैसे टीम का कॉम्बिनेशन आप आगे बढ़ाते हो ना, टीम 1 टीम 2 टीम 3, वैसे वैसे आप ट्रंप प्लेयर को अपने टीम से हटा देते हो और सेफ प्लेयर को उसमें घुसा देते हो। तो कहां से जीतोगे, आपका सपना है ड्रीम 11 में रैंक 1 आकर 2 करोड़ जीतने का, लेकिन आप टीम बनाते हो विनिंग जोन का, तो कहां से जीतोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपको अगर ग्रैंड लीग जीतना है, आपको रैंक 1 में आना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो में मैंने जो बताया है वो आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी प्रकार से फैंटेसी टिप्स एंड टीम का कॉम्बिनेशन का प्रिडिक्शन वीडियो मिलता ही रहता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।